हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और रेसिपी गुरु पे आपका स्वागत है। बारिश के मौसम में पकोड़े खाना किसे अच्छा नहीं लगता, और वो भी ऐसे पकोड़े जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ऊपर से इसकी जो लेयर है वो बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल वड़ा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये पकौड़ा आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ के अपडेट मिलती रहे। दाल वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चना दाल को 5-6 घंटे तक भिगो के रखना है। यहाँ पर मैंने 1 कप दाल ली है और उसको हम पानी से धो लेंगे, ताकि जो एक्सेस स्टार्च है उसमें वो निकल जाए। दाल में से मैंने पानी निकाल लिया है और अब मैं दूसरा पानी डालकर दाल को 6 घंटे तक भिगो के रखूँगी। छः घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है। दाल को हम छन्नी में निकाल लेंगे और सारा पानी छान लेते हैं, और इसे मिक्सचर जार में डाल के दरदरा पीस लेना है। आप देख सकते हैं दाल में बिल्कुल पानी नहीं है। चना दाल को हमने पीस लिया है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें हम ये पीसी हुई दाल को निकाल लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डालते हैं प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दाल वड़ा में प्याज ज़्यादा डालनी है, जितनी हमारी दाल है उससे 2 गुना प्याज हमें इसमें डालना है। ये डिश खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में या फिर किटी पार्टी में या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और अच्छी डिश है। देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी है, जिसमें ऑयल गरम हो रहा है। अभी हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा पानी हाथ में लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इसकी टिक्की बनानी है आपको। और टिक्की बनाने के बाद इसे हम ऐसे ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्की बनाकर फ्राई करेंगे। इसे आपको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो ऊपर से कड़क और अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए, एक साइड से ये वड़ा जो है वो पक गया है, तो हम इसे टर्न कर लेते हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही सुंदर और बढ़िया कलर आया है, आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। अब नॉर्मली पकोड़े जो है हम हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ खाते हैं, पर ये दाल वड़ा को मैंने यहाँ पर सांभर के साथ सर्व किया है। सांभर के साथ दाल वड़ा का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो आप भी ये दाल वड़ा घर पर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव रेसिपी गुरु पे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए, और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।